हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है. अगर इंट्राडे में कोई डिप मिलता है तो काफी अच्छा बाय रहेगा. आज भी अगर आप देखो तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने ही काफी अच्छा डिप दिया था और उसके बाद वापस पूरा का पूरा रिकवर हुआ है. अभी भी टारगेट वही है, 11,600 जो मैंने आपको टारगेट दिए थे निफ्टी के लिए. बैंक निफ्टी का टारगेट 23,200 तक लग रहा है और निफ्टी का टारगेट 11,600 तक लग रहा है. सो अभी भी टारगेट्स वही है. आपका स्ट्रैटेजी बाय एंड डिप्स होना चाहिए और व्यू आपका बुलिश होना चाहिए. सो निफ्टी का टारगेट मुझे लग रहा है 11,600, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे जाता है. हो सकता है 11,600 से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है थर्सडे को. काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है. सेम वे बैंक निफ्टी में भी 23,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा. 23,200 के बाद बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में वॉलीटिलिटी में ज़्यादा देखने को मिलती है. हो सकता है वो लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले. सो इसलिए स्ट्रिक्टली टारगेट्स होंगे 23,200. इसलिए आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा. विद ट्रेल स्टॉप लॉस आपको ट्रेड करना पड़ेगा. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में टीवीएस मोटर सेल दिया था. इसमें आपको डेफिनेटली इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा. एंड अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, यस ये मैंने ट्रेड किया था और ये मुझे प्रॉफिट हुआ. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो से मेरे व्यूअर्स को फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. सो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने ये ट्रेड लिया था और उसमें आपको इतना प्रॉफिट हुआ है. MFSL मैंने सेल दिया था, लेकिन अगर आप देखो मैंने जो सेल दिया था वो सेल लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ है. तो हमारा जो सेल ट्रेड था वो ट्रिगर नहीं हुआ है. इंफ्राटेल मैंने बाय दिया था 201 के ऊपर. इंफ्राटेल भी 201 के ऊपर गया ही नहीं. सो इसमें भी हमारा बाय ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है. सो आपको लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है. जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है. नए लोग हैं, कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं. ये कैश मार्केट के लेवल्स हैं, तो आपको फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना है, आपको कैश मार्केट में ही ट्रेड करना है. नंबर वन. नंबर टू, आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, आपको अपने ग्रेड के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है. जब लेवल ट्रिगर नहीं होता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, जैसे लेवल ट्रिगर होता है तभी आपको ट्रेड लेना है. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है. तो सबसे पहला स्टॉक होगा IGL. IGL का रिजल्ट भी है और मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है. देखो इसने काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन तोड़ा है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हुई है. और मुझे लगता है अगर ये डिप देता है तो काफी अच्छा बाय रहेगा. कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन मुझे इसका बाइंग की तरफ स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. हो सकता है इसमें रिजल्ट के बाद एक बड़ा आप मुंह में देखने को मिले, जैसे आज LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमें देखने को मिला था 8-10% का. वैसे ही मुझे लग रहा है IGL में भी एक बड़ा आपको हमें देखने को मिल सकता है. तो IGL काफी अच्छा बाय रहेगा. कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. नेक्स्ट स्टॉक होगा कोल इंडिया. कोल इंडिया भी अगर आप देखो काफी अच्छा बेस प्राइस फॉर्मेशन बनाया है 125 के अराउंड और अब उस रेंज से निकल रहा है. इसमें भी एक अच्छा खासा आपको हमें देखने को मिल सकता है रिजल्ट के बाद. कभी रिजल्ट है और मुझे लगता है इसमें भी काफी अच्छा बड़ा आपको हमें देखने को मिल सकता है रिजल्ट के बाद. सो कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन कोल इंडिया का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा बाइंग की तरफ लग रहा है. लास्ट स्टॉक होगा SRF. SRF स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव लग रहा है. अगर आप देखो यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन है, यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा है और आप देख सकते हो उसने ब्रेकआउट जरूर दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया है और फॉलो थ्रू बाइंग हमें देखने को नहीं मिला है. और अभी एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है. तो मुझे लगता है यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है और 4,300 का राउंड ऑफ नंबर के नीचे क्लोज हुआ है. प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है. तो ये काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए. कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.